दुनिया के डिफरेंट एरियाज में मौजूद पिरामिड्स को देखकर हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि इनका निर्माण किसी एलियन सिविलाइजेशन द्वारा किया गया होगा, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स के अनुसार इन स्ट्रक्चर्स का निर्माण अलग अलग सोसाइटीज ने किया था। और सबसे अजीब बात ये थी कि इन्हें न सिर्फ सैकड़ों हजारों सालों के अंतर में बनाया गया था, बल्कि एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर थे, जिस वजह से साइंटिस्ट अब तक इन्हें फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। वैसे पिरामिड्स इकलौते ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं जिनके बारे में साइंटिस्ट ना समझ पाए हो, बल्कि इनके अलावा भी दुनिया भर में कई ऐसी अजीबोगरीब बिल्डिंग्स खोजी गई है जिनके अपीयरेंस के बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। अमेरिकन स्टेट ओहियो में एक ऐसी ह्यूमन मेड हिल मौजूद है जिसके एज के बारे में एक्सपर्ट्स अभी तक पक्के तौर पर नहीं बोल पा रहे हैं। इस हिल का नाम ग्रेट सर्पेंट माउंड है और ये करीब 440 मीटर में फैला हुआ है, जिसके निर्माण को लेकर कहा जाता है कि इसे फोर्ट कल्चर के लोगों द्वारा 1000 AD के आसपास बनाया गया था, क्योंकि उस समय फोर्ट कल्चर के लोगों के अलावा दूसरा ऐसा कोई नहीं था जो ये कर सकता था। हालांकि हर कोई इस दावे को सच नहीं मानता और ब्रिटिश जर्नलिस्ट ग्रैहम हैनकॉक भी उन्हीं लोगों में से एक है जिन्होंने इस दावे को नामंजूर करते हुए इस पर एक अल्टरनेटिव स्टडी कंडक्ट की, और उन्होंने सर्पेंट माउंड के काफी करीब एक ऐसा एंशियंट बुरियल कम्प्लेक्स खोज निकाला जो न सिर्फ एडिना कल्चर से ताल्लुकात रखता था बल्कि फोर्ट कल्चर से भी 500 साल पुराना था। लेकिन स्टडी में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह निकल कर आई कि जो सर्पेंट माउंड है वो एक एंशियंट मीटियोराइट इम्पैक्ट क्रेटर की चोटी पर बना हुआ है, और टेस्ट एग्जाम्पल से पता चला है कि ये मीटियोराइट धरती से करीब 125,000 साल पहले टकराया था, जिस वजह से इस जगह की मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है कि कंपास नीडल्स यहाँ पर तेजी से घूमने लगती है। जहाँ सर्वेयर्स ने सर्पेंट माउंट पर इन कार्डियल पॉइंट्स के बारे में पता लगाने में 100 सालों से भी ज्यादा समय लगा दिया, तो वही प्राचीन लोग किसी स्पेशल इक्विपमेंट्स के बिना ही हजारों साल पहले इसमें कामयाब हो गए थे। उन लोगों ने न सिर्फ इसके बारे में पता लगाया था बल्कि सर्पेंट माउंट के हेड को समर सॉल्स्टिस सनसेट के साथ अलाइन भी कर दिया था। इसके जो कर्व्स थे वो एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर की तरह काम करता था, जो अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि इसे ऐसे लोगों ने बनाया था जो सिर्फ झोपड़ी और शिकार में इस्तेमाल होने वाले नुकीले भाले बनाने जानते थे। सरपेंट मून की तरह ही दुनिया में और भी ऐसी जगहें मौजूद है जो दिखाती है कि प्राचीन इंसान न सिर्फ बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने जानते थे बल्कि उनकी एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज भी कमाल की थी। और यही चीजें सवाल खड़ा करती है कि जब प्राचीन लोग इतने सब कुछ जानते थे तो फिर उन्होंने दुनिया भर में ट्रेवल करके इन स्ट्रक्चर्स को आखिर क्यों नहीं बनाया। वेल, साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि अगर कोई सिविलाइजेशन आसानी से समुद्र पार करके दुनिया के हर हिस्से में पहुंच पाती है तब उसका ये एडवांसमेंट लेवल 20th century का होता, और इसी बेसिस पर वो दावा करते हैं कि दुनिया में शायद ऐसी कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेवल कर सके। लेकिन पिछले समय में मिले प्राचीन नक्शों से ऐसा सबूत मिलता है कि इस दुनिया में एक ऐसी प्राचीन सभ्यता थी जो अपने समय पूरी दुनिया में ट्रेवल करती थी। 1513 के एक मैप में तो हमें एंटार्क्टिका तक देखने को मिलता है, जबकि एंटार्क्टिका की खोज आज से करीब 203 साल पहले यानी 1820 में की गई थी। वैसे इस मैप में और भी दूसरी चीजें हैं जो इसे रहस्यमय बनाती है, जैसे कि इसमें आज बर्फ से ढक चुकी एंटार्क्टिका की कोस्टलाइन को बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ दर्शाया गया है, बिल्कुल ऐसे जैसे इसे बनाने वाले को मालूम था कि एंटार्क्टिका पास्ट में कैसा दिखता था। इसके उलट मॉडर्न साइंस की बात करें तो उससे भी एंटार्क्टिका की इस पुराने अपीयरेंस के बारे में 1961 की रिसर्च में मालूम चला था। ऐसे में वो कौन सी सिविलाइजेशन थी जिसने हम मॉडर्न ह्यूमंस को सैकड़ों या कई हजारों सालों से बीट कर दिया। हो सकता है कि ये वही हो जिन्होंने एंटार्क्टिका की सरफेस पर जायंट पिरामिड्स का निर्माण किया था। जिस पिरामिड की तस्वीर को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो 2016 में एंटार्क्टिका के एल्सवर्थ माउंटेन्स पर निकाली गई एक सैटेलाइट इमेज है, जो कहीं न कहीं इस ओर इशारा करती है कि एंटार्क्टिका में भी एक एंशियंट एडवांस सिविलाइजेशन रहती थी। यूं तो इस पिरामिड के निर्माण को लेकर बहुत सी थ्योरीज दी गई है, पर कुछ जानकार मानते हैं कि ये एक तरह का एरोजन का कमाल है जो एल्पाइन मैटरहॉर्न माउंटेन के केस में भी देखने को मिलता है। मगर इसे एक एग्जांपल के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि एंटार्क्टिका का पिरामिड्स नेचुरली बना था, क्योंकि दुनिया में इस तरह के ज्यादातर स्ट्रक्चर्स इंसानों ने ही बनाए थे। हालांकि जिस मिस्टीरियस मैप के बारे में हमने पहले चर्चा की थी उसके क्रिएटर पीरेस के अकॉर्डिंग उसने अपना मैप सैंपल अलेक्जेंड्रिया की तबाह हो चुकी लाइब्रेरी के एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से कॉपी किया था। और जहां तक रही बात अलेक्जेंड्रिया की तो ये पिरामिड ऑफ गीजा के आसपास ही मौजूद है, जिसके चलते एंटार्क्टिका के पिरामिड्स के तार कहीं न कहीं इजिप्ट से जुड़ जाता है। इस मिस्टीरियस मैप पर सिर्फ एंटार्क्टिका ही नहीं था बल्कि इस पर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की भी झलक थी जो काफी हद तक एक्यूरेट थी। और इसमें यह भी बताया गया कि एक समय पर साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका आपस में कनेक्टेड थे। कनेक्ट से याद आया कि जिस तरह दुनिया भर के पिरामिड्स के अपीयरेंस में कोई न कोई कनेक्शन है, ठीक उसी तरह ऐसे दूसरे आर्टिफैक्ट्स भी है जो कुछ न कुछ कॉमन चीजें शेयर करता है। एंशियंट एस्टेक कल्चर के अकॉर्डिंग क्विट्ज़ेलकोट नाम के गॉड हुआ करते थे जो बिना पैडल वाली ऑटोमेटिक बोट से ट्रैवल करते हुए जगह जगह जाकर लोगों को स्ट्रक्चर्स के निर्माण का ज्ञान देते थे। और ऐसा भी माना जाता है
है कि पिरामिड्स के निर्माण की टेक्निक भी एस्टेक गॉड क्वेट्ज़ल्टेक की ही देन है। खैर सुपर ह्यूमंस द्वारा नॉलेज ट्रांसफर की जानकारी सिर्फ हमें एस्टेक कल्चर में ही देखने को नहीं मिलता, बल्कि मेक्सिको के एंशियंट इनहेबिटेंट्स ने तो इस इवेंट को स्टोन में भी लिख दिया था, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति इंसानों को डिवाइन नॉलेज के गिफ्ट्स दे रहा है। पर इस तरह की नॉलेज ट्रांसफर वाली चीजें हम दुनिया भर में देख सकते हैं। जब दुनिया में आसानी से समुद्र पार कर लेने वाली सिविलाइजेशन रही थी, तब वो एडवांस होते हुए भी बिना किसी सबूत के अचानक से गायब कहाँ हो गए। माना जाता है कि पुराने समय में किसी ग्लोबल डिजास्टर ने दुनिया को हिट किया था, जिससे दुनिया के अंदर रहने वाली सभी सिविलाइजेशन तबाह हो गई थी और उनके सारे सबूत भी मिट गए थे। लेकिन अब बताओ, क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि कोई बड़ा नेचुरल डिजास्टर किसी सिविलाइजेशन के साथ उसके सबूत को भी मिटा सकता है? साइंटिस्ट की माने तो उनके मुताबिक ऐसा पॉसिबल है। और आप जानकर शौक हो जाओगे कि अगर हम इंसान आज ही धरती से गायब हो जाए, तब महज 200 सालों के अंदर ही इस दुनिया से ह्यूमन कल्टीवेटेड प्लांट्स के सारे सबूत मिट जाएंगे और केवल 10,000 सालों में ही दुनिया से सारी सिटीज गायब हो जाएगी और बड़े पत्थरों के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। हालांकि एक चीज जिसके सबूत तब भी रहेंगे और वो है प्लास्टिक्स, क्योंकि इसको तबाह होने में करोड़ों सालों का समय लग सकता है। इससे एक बात तो जाहिर होती है कि भले ही हम इंसान सिंथेटिक मटेरियल यूज करते हो, पर एंशियंट सिविलाइजेशन एडवांस होते हुए भी उस समय किसी तरह के सिंथेटिक मटेरियल्स का यूज नहीं करती थी, बल्कि वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक थी। और अगर वो ऑर्गेनिक ना होती, तब उनके सिंथेटिक मटेरियल के यूजेस का हमें कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिलता। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।